ओहो, देखो तो इस महारानी को कैसे आराम फरमा रही है। देखो तो कैसे पड़ी है। ए बुढ़िया, अगर तन्ने आराम फरमा लिया हो तो खड़ी होके घर का कुछ काम भी कर ले। ये तेरा बाप करेगा घर का काम। चल खड़ी हो, घर का अरे बेटी, मैं तो तन्ना कभी लौट रही आंख सी लग गई। मैं थक गई काम करते करते। अब खेत में इतनी धूप हो रही, खेत का काम कर का ही है। मेरी कमर में दर्द हो रहा, तन्ना मगा कमर सूती कर लो। कराऊं तुझे भी आराम? तुझे तो पूरे दिन आराम चाह, तेरा मन ही ना करता घर का काम करने को। पूरे दिन तेरी कमर टूटी रहे। ये देखो इनकी नौटंकी, कितनी भी करवा लो वो पड़ी झाड़ू और घर की सफाई कर दे। और पूरा घर साफ चाहिए मुझे, समझ में आई बुढ़िया? कर लूंगी बेटी, मैं क्या तो रही हूँ। भगवान ऐसी जिंदगी से ठा ले तो बढ़िया, पर पता ना हम जैसे इनको भगवान भी क्यों ना ले जाता। इनके उसके घर में हमारे जैसे इनकी जरूरत ही ना। ये दुख पता ना कब तक देखने पड़ेंगे। करना पड़ेगा काम, और नहीं तो फिर जान खावेगी मेरी। दो घड़ी आराम भी ना करन देते। ए भगवान, एरी बुढ़िया इतनी आराम आराम से झाड़ू लगा लेगी तो हो गया घर का काम। अभी तो इतने सारे काम पड़े, बर्तन भी, पोंछा भी और घर का खाना भी बनाना। जल्दी जल्दी सकेल ले। लग गई झाड़ू, हो गया तेरा काम, अब फिर भी यहीं बैठ गई। जल्दी से खड़ी हो जा, मेरे कपड़े पड़े उन्हें संगवा दे और बच्चों का भी टाइम हो रहा स्कूल से आने का। सीमा बेटी, मुझे पहले रोटी ला दे, मुझे भूख लग रही है। आज थक गई मैं, अब भूखे प्यासे से काम ना हो रहा। पहले इस पेट में तन से टुकड़ा गेर लूं, जब करूंगी काम। तुझे तो हर टाइम खाने को ही देते रहो, खा खा के थूंद छोड़ रही है। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। जाके पहले कपड़े धो ले, फिर खाने को मिलेगा। बेटी अब ना हो रहा मेरे पर काम, खाली पेट मुझे आ रहा चक्कर सा। तू ला दे पहले मुझे रोटी, अब तो मैं रोटी खा के काम करूंगी, जब ही धोंगे कपड़े। जब मैंने तुझसे कह दी पहले कपड़े दो फिर मिलेगी तुझे रोटी, एक बार की समझ में ना आती तुझे? धो ले अभी ने। सारी बुरसाइट ही बुरसाइट दे दी धोने को, पैंट एक भी ना दी। बुरसाइट बुरसाइट दी है धोने को, पैंट को फिर कल को क्या वेगी ना धो दे। अरे खट्टे दे देती, मैं तो जब भी धो रही जब भी सारे धो देती एकदम ही। अरे राम, ये कमर टूट गई दिखा है। हो गया तेरा काम बुढ़िया? अब ले दो रोटी।
फूस ले, भूख के मारे मरी जा रही थी ना तू। बेटी तन से सब्जी ला दे, मेरे से ना खाई जा प्याज से रोटी। ऐसा बुढ़िया, जो खाने को मिल रहा है ना चुपचाप खा ले, अन्ना इसे भी वापस ले लूंगी। तुझे लगाऊं छप्पन भोग से चाहिए सब्जी। अब ये टसवे ना बहा, जल्दी से रोटी खा ले, अंदर बहुत सारे बर्तन में पड़े, उन्हें भी धोने हैं तुझे। बेटी मेरे साथ आराम से खाई जा रोटी, मेरे दाद में दर्द है, रोटी खा के मैं मांझ लूंगी बर्तन। हाँ माँ, कैसी है तू? क्या माँ, तू भी हर वक्त काम में लगी रहे, कभी रेस्ट भी ले लिया कर। भगवान इतना मजबूर क्यों कर दिया, जो घर छोड़ने पर मजबूर होगी। बड़ी बहू ने चैन नहीं लगन दिया जब मैं घर छोड़ी आई। अब छोटे बेटा के दौरे जाकर देखूंगी कैसा रखेगा। इसका छोरा भी जब ऐसी दुखी करेगा ना इसे, तो यू किसके पास जाएगी? मेरा तो छोटा बेटा आएगा, मैं तो उसके दौरे चली जाऊंगी। इसे जब भी पता चलेगी जब इसका छोरा दुखी करेगा इसे। भगवान, रवि बेटा, ओ रवि बेटा, अरे खोलिए तन्नक। माँ जी आप यहाँ? आप किसके साथ आई? अरे बेटी मैं किसी की गैल ना आई, मैं अकेले आई हूँ। रवि बेटा ना आया? माँ जी आप सारी बात छोड़ो, पहले आप अंदर चलो। आ जाओ। चक्कर सारा बेटी, एक तो धूप इतनी कैडी हो रही है। माँ जी आप बैठो। हाय राम रे, पानी ला दे बेटा जरा सा। बेटा रवि दिखाई ना दे रहा, रवि कहाँ है? माँ जी वो तो बाहर घूमने गए हैं, पर आप यहाँ अचानक कैसे आ गई? बेटी मुझे मारा पीटे ही हो, हर भूख की प्यासी से सारा काम करवा गई, मुझे पेट भरा ही रोटी बिना दे गई। हम मेर में ना रही इतनी ताकत जब मैं काम करूं। मैं सोची मैं कि अपने छोटे बहु बेटा के धोरक चलो, अपने मैं वहीं दो रोटी चैन से खा लूंगी। वाह जी वाह, वो तुम्हें परेशान कर रही और तुम हमें परेशान करने आ गई। आपको पता भी है एक आदमी से कितना खर्चा बढ़ता है? माँ जी आप यहाँ से चल जाओ, यहाँ पे जगह ही कितनी है, एक ही तो कमरा है उसमें हम रहते हैं, आप कहाँ रहोगी? बेटी मैं तो एक कोने में पड़ी रहूंगी कंगे, तो अंदर कमरे में लौट जा कर ही मैं यहीं पड़ी रहूंगी अपने बरामदे में। अब एक बात बता, मैं बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? तभी तो मेरा सहारा, ना वो रखने को तैयार ना तू रखने को तैयार, तो मुझे कौन रखेगा? ऐसा है माँ जी आप यहाँ से खड़ी होइए, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं आपको रख सके। कहाँ जाऊंगी मैं, ना जाऊं मैं तो, मेरे बेटे को आ जान दे पहले, मगर वो कहेगा ना चली जा माँ यहाँ से, जब जाऊंगी।
वो तो तब आएंगे, आते रहेंगे। आप पहले यहाँ से बाहर निकलिए, खड़ी होइए, खड़ी होइए। और ये अपना बैग, चलिए। चलो, अरे चलिए, अरे चलो ना माँ जी। अब आप कहीं भी जाइए और हमें माफ कीजिए, हमारे घर में इतनी जगह नहीं है कि हम आपको रख सकें। ये लो अपना बैग। हे भगवान, यो दिन दिखाने से पहले तो मुझे क्यों ना ठा लिया तन्ने इस बेशरम दुनिया में माँ की कोई कदर नहीं है। मुझे भिखारन समझ रहे हैं, कभी मैंने किसी का एक रुपया उधार का नहीं रखा, आज मुझे भिखारी समझ रहे हैं। कैसा दिन दिखा दिया भगवान तुमने। अम्मा क्या हुआ, आप क्यों रो रही हो? आपको कोई परेशानी हो तो मैं मदद करूंगा आपकी। अरे बेटा, इस दुनिया में अपने बेटे माँ की कदर ना करते तो तू क्या करेगा? अरे अम्मा आप बताइए मुझे, आप इतनी क्यों परेशान हो रही हो? मैं आपकी मदद करूंगा, आप बताओ तो मुझे। बेटा मैं पहले बड़े बेटे के दो रही, वो मुझे खूब मारते थे, सारा काम करवावे मेरे पर, अन्ना खाने को रोटी दे वही। अब मैं वैसे गाँव में से छोटे बेटे के दो आ गई, छोटी बहू ने एक गिलास पानी भी ना दिया, घर से मार भगा दी। तू बता मैं कहा जाऊंगा? भगवान भी आग बंद करके बैठा मेरी माई से, मुझे ले जाता भी ना, मुझे ले जाता है तो मेरा जन्म सुधर जा। जब अम्मा भगवान ने सांसें दी है तो खाने का भी इंतजाम भेजा होगा, और पता नहीं क्यों ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें अपने बड़ों की बिल्कुल भी कदर नहीं होती। बड़ी किस्मत से मिलता है बड़ों का आशीर्वाद। चलो अम्मा आप मेरे साथ चलो।